सब पूरा मामला क्या? एक मामला आया था जिसमें कहा जा रहा था कि एक व्यापारी है, बिल्डिंग मटेरियल्स का व्यापारी सुलेमान, जिसका बदमाशों ने अपहरण कर लिया था। ये पूरा मामला झूठा पाया गया है और सच्चाई ये सामने आई है कि सुलेमान नामक व्यक्ति उसने अपनी अपने अपहरण की झूठी कहानी रची थी। और इस झूठी कहानी में, इस साजिश में उसका ड्राइवर इमरान उर्फ इमामी मुख्य भूमिका में शामिल था। इसका भाई सद्दाम जो वादी बना था मुकदमे का, वो भी इस साजिश में शामिल था। इसके अलावा इसका एक साथी है जाहिद, जो दिहुली बरनाहल थाने का निवासी है लेकिन भिवाड़ी में रहता था, वो भी शरण देने में और इन लोगों को कोऑर्डिनेट करने में शामिल था। इस प्रकार से इस पूरे मामले में हमने इस झूठे व्यापारी सुलेमान समेत कुल चार लोगों को आज गिरफ्तार किया है और आज इनको न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया जा रहा है। इसमें कहानी ऐसी थी कि ड्राइवर ने बताया था कि चार बदमाश आए थे स्कॉर्पियो में, सफेद स्कॉर्पियो में, उसको सुलेमान को का अपहरण करके ले गए थे और साथ ही साथ ड्राइवर इमरान का मोबाइल फोन भी साथ लेते गए थे। इस तरह की झूठी कहानी के आधार पर मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसमें खुलासा हुआ है, हमारी सर्विलांस टीम, हमारे सीओ सिटी अभय नारायण और उनकी सभी टीमों ने मिलकर के दिन रात काम किया और 24 घंटे के भीतर ही इसका खुलासा कर दिया गया था, जिसके कारण से आईजी रेंज जागरा श्री सतीश गणेश सर ने पूरी टीम को 40,000 रूपये का नकद इनाम दिया और मेरे द्वारा 25,000 का नकद इनाम इसमें दिया गया है। इसमें इस पूरी घटना का पर्दाफाश किया गया है और अभी आपके समक्ष चार लोग आ रहे हैं, जिसमें व्यापारी सुलेमान समेत चार लोगों को गिरफ्तार करके आज न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया जाएगा। इसमें और कोई सवाल हो तो वो पूछ लें। सर, पूरा ये जो अपहरण जैसी कहानी जो रची है, उसका रीजन मेन क्या था? इसका मकसद जो पूछताछ में सामने आया है वो एक तो एक इसकी पूर्व प्रेमिका है, जिसे 8 साल पहले से इसका प्यार प्रसंग चल रहा था। प्रेमिका की शादी हो गई थी आगरा में, उसके 2 बच्चे भी हैं, लेकिन इन दोनों का प्रेम प्रसंग चलता ही रहा और इसी दौरान इसकी भी शादी हो गई, इसके भी 2 बच्चे हैं, लेकिन प्रेम प्रसंग चलता रहा और एक टाइम ऐसा आया कि उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, अब हम लोग अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे। तो प्रेमिका 16 तारीख को ही भिवाड़ी पहुंच गई थी और ये जो सुलेमान है ये भी 21 तारीख को अपहरण की झूठी कहानी रच के अपनी प्रेमिका के पास चला गया था। तो एक तो मकसद ये था। दूसरा मकसद जो अपहरण की कहानी रचना था वो ये था कि एक कमेटी संचालक भी है, बीसी, आप सुने होंगे मैनपुरी फिरोजाबाद में बीसी का काफी चलन है, यहाँ पे कमेटी में पैसे लोग लगाते हैं, उसी का ये संचालक था और करीब 10-12 लाख रुपए की देनदारियां इस पर थी। तो इस चीज से बचने के लिए कि लोग तकादा नहीं करेंगे, पैसे रुपए नहीं मांगेंगे वापस, इस कारण से भी इसने अपहरण का ड्रामा रचा था। अपहरण रच करके ये ड्रामा रच करके कहीं भाग गया था, भिवाड़ी भाग गया था, ताकि लोग इसका पता भी ना लगा सके और उसे कोई रुपए पैसे भी ना मांगे, साथ ही साथ इसको इसकी प्रेमिका के साथ इसकी नई जिंदगी शुरू हो सके। तो इस दो मकसद को एक तीर से उसने साधा था और इसको अंजाम देने में सफल हो जाता, मगर हमारी मैनपुरी पुलिस की मुस्तैदी से इसके नापाक इरादों में पानी फिरा गया है और इसको गिरफ्तार करके आज न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया जा रहा है। अपहरण की बात करें, वहीं क्या इसके परिवार के सभी